कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीजों से किसी रूप से कभी भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कभी डरे हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लग जाता है, राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से लटक जाती है। जिस उम्मीद से गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी गए थे, वहां से ना उम्मीद होकर लौटे हैं, लेकिन यहां पर अपनी हिम्मत हारते हुए नजर नहीं आए हैं। राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए तमाम सबूत दिखाते हुए राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता वापस पाकर रहेंगे और संसद भवन पहुंचकर दोबारा से गौतम अडानी से जुड़ी फाइलों को खोलेंगे। ये दावा खुद राहुल गांधी ने किया है और राहुल गांधी ये दावा करते हुए काफी सबूत पेश करते हुए भी नजर आते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वही मानहानि केस मामले में, तो उनकी तरफ से वकील कौन होगा, यहाँ पर उनके बिना पर कौन केस लड़ता हुआ नजर आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और ऐसे में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए अभिषेक मनु सिंह भी आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और एक वरिष्ठ वकील भी हैं। ऐसे में कई केस वो लड़ चुके हैं और राहुल गांधी के हक में कई बार आवाज उठाते हुए भी रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर अभिषेक मनवी काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और सिंघवी का सीधे तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसाया गया, राहुल गांधी की जानबूझकर संसद सदस्यता रोकी गई और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे और राहुल गांधी अब हार मानने वालों में से नहीं है। क्या कुछ अभिषेक मनवी कहते हुए नजर आ रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं समझता हूं निराशाजनक जरूर है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, हम इस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा, और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको, तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे। और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूँगा क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पर देखा है। जैसा कि आपको याद है ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई, उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले चार चीज़ें कहना चाहता हूँ शुरू में। नंबर एक, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है, समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायत करता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस
प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने, न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहां से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, दो वाक्य हैं उसमें कहां से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी। तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में, तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं। और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है, कटिंग देखे, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर, दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है
जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है, ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पे बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। जिस तरीके से आपने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे और अपना अगला रुख हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी का केस अगर अभिषेक लड़ते हुए नजर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में तमाम सबूत पेश करेंगे, तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ पाएगी? क्या राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।